हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक है, चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करेंगे इसके सॉल्यूशन को करेंगे कि और जो आइडेंटिटी इस्तेमाल यहाँ पर होगी वो है जो आपके यहाँ पे पिंक कलर में लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्म मिल रही है तो आप उसकी जगह पर ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको ए बी और सी की वैल्यू पहले पता करनी है और फिर सॉल्यूशन के लिए आपको आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। तो क्वेश्चन जो दे रखा है मैं बार वही लिख रहा हूँ जो स्टेटमेंट आपको मिली हुई है क्वेश्चन के अंदर, 3x-5। आपको मिली हुई है क्वेश्चन के अंदर 3x-5y+4 9x² + 25y² + 15xy-20y + 12x + 16, ये है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस का -5y, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस बी है इसलिए इसको प्लस के रूप में लिखने के लिए इसको जो माइनस वाली जो वैल्यू आई उसको प्लस लिख करके उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, -5y प्लस में 4। अब जो ये कॉरेस्पोंडेंस देखें तो ये आपके लिए ए हो गई, ये बी है और ये सी है। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर मतलब 3x² प्लस में बी स्क्वायर मतलब 5y² प्लस में 4c² मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व अगर करें तो आपको 9x² मिल रहा है, यहाँ से आपको प्लस का 25y² मिलेगा और यहाँ से आपको प्लस का 16 मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें तो आपके वो मिल गई है, 6 टर्मों में से 3 टर्में मिल गई। अब माइनस एक्स वाई मतलब माइनस ए बी, इसके लिए इसके कोरस्पोंडेंस में ए हमें 3x है और मिल रहा है और बी जो है -5y है, ठीक है, माइनस बी सी -5y और सी जो है वो 4 है। फिर माइनस सी ए 4 × 3x, अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये हो गया माइनस ए बी, ये माइनस बी सी और ये माइनस सी ए। सॉल्व करें अगर इसको आप, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15xy, आपके पास ये है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20y मिल रहा है वो ये हो गया। फिर है 4 × 3 = 12, माइनस का 12x, यहाँ से यहाँ पर जो गलती है, क्या गलती है कि यहाँ माइनस का 12x आना चाहिए, मिसप्रिंट है ये, नहीं तो इस फॉर्म में कभी नहीं मिलता। तो +12x की जगह जो क्वेश्चन के अंदर है आप खुद कर लीजिएगा कि ये माइनस का 12x होना चाहिए। बात क्लियर हुई? और कुछ यहां पर भी गलती है, ये प्लस का 20y आना चाहिए, क्योंकि नहीं ये नहीं, ये तो ठीक है, माइनस में प्लस ठीक है ये, हाँ यहां पर देखें तो इसको यहां से आपको प्लस का 20y मिलना चाहिए, तो यहाँ गलती है, प्लस का 20y आएगा, ये मिसप्रिंट है, पीछे आपको गलती मिलेगी इसके अंदर, ये मिसप्रिंट है तो ये ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ प्लस का 20y हो जाएगा और ये माइनस का 12x होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको तीनों फॉर्म जो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से ए स्क्वेयर मिला, यहाँ से बी स्क्वेयर और यहाँ से सी स्क्वेयर, और ये जो टोटल 9 टर्में हैं, एक ब्रैकेट में 3 टर्में हैं, दूसरी ब्रैकेट के अंदर 6 टर्में हैं, आपको इसके कोरस्पोंडेंस में मिल रही है, इसलिए अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि ए का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे इसके कोरस्पोंडेंस में, 3x का क्यूब प्लस में -5y का क्यूब, बी क्यूब के कोरस्पोंडेंस में,
प्लस में 4 का क्यूब इसके कोरस्पोंडेंस में सी का क्यूब, फिर माइनस 3ABC के लिए लिखेंगे माइनस 3, ए जो कि आपके पास 3x है, बी जो कि आपके पास माइनस 5y है, सी जो कि आपके पास 4 है, इसका प्रोडक्ट करके आपको क्या मिले। तो अब इसके जो ब्रैकेटें हैं वो सोल्व करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 3 3 9 3 27, 27x³, और माइनस की पावर जब कभी ओड होती है तो आपको मिलता है माइनस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 5 125 125, और आपको मिलेगा y³। यहां से 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 4 4 16 4 64 प्लस का 64, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 3 3 9 5 45 4 180, तो प्लस का 180 आ गया, और एक x है और एक y है, तो x y और साथ में इसके आ जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से अब कर दीजिए वीडियो को लाइक, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, शेयर कीजिए दोस्तों को ताकि उससे फायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ऑल पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।